असलकुम बुक फॉर न्यू ऑक्सफर्ड मॉडर्न इंग्लिश पेज नाइन पर है पोइम अ नाइट इन जून वर्ड्स टू नो कोको कोयल गशिस पानी का बहना या उबलना पाइपिंग परिंदों का आवाज निकालना या चहचहाना चहाना आला बालातर थ्रश छोटी चिड़िया येट अभी तक विलियम वर्ड्सवर्थ इज अ नेचर लवर पोइट ही एक्सप्लेन अ ब्यूटीफुल डिलाइटफुल नाइट सीन इन हिज पोइम The sun has long been set. सूरज काफ़ी देर से गरूब हो चुका है यानी सूरज देर हुई गरूब हो चुका है द स्टार्स आर आउट बाई टूज एंड थ्रीज सितारे दो तीन तीन की टोलियों में निकल आए हैं The little birds are piping yet. छोटे परिंदे अभी भी चहचहा रहे हैं अमंग द बुश एंड ट्रीज झाड़ियों और दरख्तों में देरस अ कोको एंड वन और टू थ्रशिज एक कोयल है और एक दो छोटी चिड़िया एंड अ फॉर ऑफ विन डैट रशिज और दूर कहीं एक हवा जो तेजी से आती है एंड अ साउंड ऑफ वाटर डैट ग्रशिज और पानी की आवाज़ जो बहता है एंड द कोकोज सॉरन क्राई और कोयल की अला तर आवाज़ फिल ऑल द होलो ऑफ द स्काई जो आसमान के खालीपन को भर देती है मतलब बताने का मतलब यह कि ये जो तमाम आवाज़ें हैं परिंदों की पानी की हवा की ये सारे जो साउंडस हैं वो मिलकर आसमान की खाली जगहों को खालीपन को भर देती हैं सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज हाउ आर द स्टार्स अपेयरिंग इन द स्काई द स्टार्स आर अपीयरिंग इन ग्रुप्स ऑफ टूस एंड थ्रीज द बर्ड्स स्टॉप्ड दे आर सिंगिंग नो द बर्ड्स आर स्टिल सिंगिंग वेयर आर द लिटल बर्ड्स द लिटल बर्ड्स आर इन बुशेस एंड ट्रीज वट साउंड कैन बी हर्ड

डिस्क्राइब इन द पोइम तो ये मैंने आपके लिए यहाँ लिखी है आपकी आसानी के लिए आप यहाँ से नोट करें द स्टार्स अपीयर दिस वे बिकॉज अर्थ इज मूविंग एंड दे आर स्लोली कमिंग इन टू व्यू नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डू यू थिंक द पोइट कॉल्स द कुको स्क्राई सॉवरन

चहचहा रहे हैं तो ये देखना है कि दिस सेंटेंस मीन्स इनमें से एक इसका मीनिंग है वो कौन सा है द बर्ड्स आर लिटल बट दे आर पाइपिंग ये नहीं है द बर्ड्स आर स्टिल पाइपिंग इवन दो इट इज लेट जी ये वाला है और ये भी नहीं है द बर्ड्स आर पाइपिंग आई नो तो दिस सेंटेंस मीन्स द बर्ड्स आर स्टिल पाइपिंग इवन दो इट इज़ लेट यानी बहुत देर हो चुकी है लेकिन फिर भी छोटे परिंदे अभी तक चहचहा रहे हैं वट टाइम ऑफ डे इज इट इट इज नॉट डे इट इज नाइट वेयर आर द बर्ड्स पाइपिंग द बर्ड्स आर पाइपिंग इन द बुश एंड ट्रीज वट काइंड ऑफ बर्ड्स आर मैंशन इन द पोइम कुको एंड थ्रश आर मैंशनड इन द पोइम नोट डाउन क्वेश्चन नंबर थ्री है नोट डाउन द राइमिंग वर्ड्स इन द पोईम तो ये मैंने यहां पे लिख दिए हैं आप पोइम में चेक करें सेट येट थ्रीज ट्रीज थ्रशिज रशिज गशीज क्राई स्काई डू द राइमिंग वर्ड्स फॉर्म अ पैटर्न ये मैं आपको कॉपी पर समझाती हूं इन द फर्स्ट फोर टाइम्स राइमिंग वर्ड्स

सेट और येट ये बन गया आपका सेट ए थ्रीज और ट्रीज बन गया सेट बी ये भी पी और ये भी बी इसी तरह थ्रशिस रशिस और गशिस ये बन गया सेट सी और ये बन गया आ, ये कौन सा है क्राई एंड स्काई तो क्राई एंड स्काई बन गया आपका सेट डी क्वेश्चन नंबर फाइव है फाइंड द ऑड वन आउट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट इन वर्ड्स में एक जो वर्ड है वो ऑड है वो आपने फाइंड करना है सेट मेट डेथ येट गेट ईट थ्रेट तो इसमें ईट जो है वो ऑड है फ्रीज ईज पीज ट्रीज फ्रीज पीज ब्रीज इन सब में जो लास्ट साउंड्स हैं वो जी की यानी जेड की आ रही हैं लेकिन पीस में पी ई ए, ए सी ई एस की साउंड दे रहा है सी तो ये हो गया ऑड रश गशीज़ बुश क्रशिज फ्लशिज़ थ्रशिज तो इसमें बुश जो है वो ऑड वर्ड है डाई स्काई क्राए फ्राई हाई ने बाय तो इसमें ने जो है वो इनसे डिफरेंट है इसलिए ये ऑड है ये होती है घोड़े की आवाज घोड़े की हिनहिनाहट को कहते हैं ने अब आते हैं एक्सरसाइज बी के क्वेश्चन नंबर वन पे यूज दीज वर्ड्स इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन तो ये मैंने आपके लिए सेंटेंसेस बनाए हैं ताकि आप इनसे हेल्प लेकर खुद से भी बना सकें सेट इसका मीनिंग है मुकर करना धरना जमाना रखना पुट ले प्लेस ही सेट द कॉफ़ी मग ऑन द काउंटर

Part of a group. He is popular among us. I see a house among the trees. Gushes. Two flew out suddenly. Tezi behna. The water is gushing from the pipe. Then the blood began flowing in gushes as the man paled. Hollow, kokla, ko, having a hole or empty space inside. The fox hid in the hollow tree. Is the beam solid or hollow? Question number two: hai. Use these words in oral sentences of your own. If you are not sure, तो एग्जैक्ट मीनिंग लुक इन डिक्शनरी इनके मीनिंग्स भी देखें और इनके औरल सेंटेंसेस बनाए लेकिन मैंने आपके लिए ये भी कॉपी पर लिख दिए हैं गश उबलना बहना टू फ्लो आउट सडनली फ्लो स्ट्रीम अचानक पानी का बहना इसका सेंटेंस बनाए वाटर गश्ड फ्रॉम द ब्रोकन पाइप शी लेट आउट द ब्रीथ इन गश ऑफ एयर स्पाउट फवारा छोड़ना पर नाला Discharge with force. The spout gets blocked with some dust in it. The elephant spouted water on its body. Sprinkle. Chidakna. Bikherna. Showers. Scatter. I sprinkled the floor with water. The gardener was sprinkling water on plants. Trickle. Risna. Tapakna. Patli mein Behna. Flow in a thin stream. Blood trickled out of the corner of his mouth. Water was trickling from the tap. Drip. Tapakna. Flow drop by drop. Allow the glasses to, to drip dry after the washing. Milk was dripping from the plastic bag. Pour. Undhelna. Flow in a large quantity. He poured water into the bucket. पोर मेल्टिड बटर ओवर द पॉपकॉर्न या फिर पोमिया ड्रिंक फ्लड सिलाबाना कवर एरिया विथ वॉटर सेंटेंस बनाए द फ्लड रूइंड क्रॉप्स आर यू आई एन ई डी रूइंडट रिवर फ्लड्स एवरी ईयर सच उमड़ना चढ़ना मूव इन रश She searched past the other runners. Housing prices have surged in recent months. Waves surged and struck the shore. Spurt. Zorse, Dharchonar, kar Kardena. Gush out. A great spurt of blood came out of the wound. I saw flames spurt from the roof, R-O-O-F roof. Stream, Bahau Nadi, flow. A stream flows through the field. Tears streamed down his cheeks. Flow, Behna, move freely. The stream flows into the pond. The river flows under the bridge. Jet, Jetman, meaning Utta tyara पतली धार तेज धार फवारा वगैरह अ फोर्सफुल थिन स्ट्रीम सेंटेंस बनाए ही थ्रू अ जेट ऑफ वाटर फ्रॉम हिज वाटर गन ऑन टॉम या फिर शी ट ऑन द हॉर्स एंड अ जेट ऑफ वाटर स्प्रेड अक्रॉस द गार्डन या फिर द जेट सोड इन टू द एयर सोर यानी बुलंदी पर जाना उड़ना एक्सरसाइज का रिमेनिंग पार्ट आप नेक्स्ट वीडियो 19 जून पार्ट टू में देखें थैंक यू अल्लाह हाफिज़